छात्र हम लोग आ गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और ये है एक्सरसाइज 108 और इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहता है या फिर रहा था, रही थी, रहते रहता है और उसमें जो है समय सूचक शब्द रहता है, जैसे एक घंटा से, दो घंटा से, दो बजे से, चार बजे से, एक वर्षों से इत्यादि। तो इसका अनुवाद जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होता है। तो इसे हम अनुवाद कैसे करते हैं, तो इसे हम अनुवाद करते हैं जैसे मैं एक घंटे से खेल रहा था, तो यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, तो पहले हम डालते हैं सब्जेक्ट, पहले क्या डालते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैड हैड। अगर नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि नॉट का प्रयोग हो तो यहीं पे हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हम बिन का प्रयोग करते हैं, बिन का, और इसके बाद मीन भर के साथ आईएनजी लगाते हैं या फिर यू कहिए भी फोर का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो है एक्स्ट्रा वर्ड जैसे कि सिंस या फिर फॉर लगा के एक्स्ट्रा वर्ड इधर डालते हैं इस तरह से। आपको पता है सिंस कहाँ लगाते हैं, तो सिंस आप वहाँ लगाइएगा जब निश्चित समय का बोध हो, जब निश्चित समय का बोध हो तो सिंस लगाइएगा, या फिर निश्चित समय का बोध ना हो तो फिर फॉर लगाइएगा, और हैड आपको सभी में प्रयोग करना है, हैड आपको सभी में प्रयोग करना है। जैसे देखिए मैं एक घंटे से खेल रहा था, यहाँ पर एक घंटे कोई निश्चित टाइम नहीं है तो यहाँ पे हमको फॉर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं यानी कि आई आई, और यहाँ पे हैड का प्रयोग करना है, सभी में हैड का प्रयोग करना है, आई हैड, और इसके बाद हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना चूंकि निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसके बाद बिन लिखना है, आई हैड बिन, और खेलना का होता है प्ले तो प्लेइंग लिखिए, पी एल ए वाई, इसमें आई एन जी लगाइए प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक घंटे से कोई निश्चित टाइम नहीं है तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करना होगा, फॉर, और एक घंटे यानी कि वन आवर, आवर इस तरह से। देखिए हम लोग सुबह से टहल रहे थे, हम लोग सुबह से टहल रहे थे, तो यहाँ पे लिखिए वी वी, और हैड लिखिए वी हैड, और इसके बाद बिन लिखिए बिन। अब टहलना का होता है वॉक, इसमें आई एन जी लगाना है, डब्ल्यू ए एल के आई एन जी, वॉकिंग। अब देखिए ये है सुबह से तो एक निश्चित टाइम है तो यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस सिंस मॉर्निंग, तुम सोमवार से काम कर रहे थे, लिखिए यू यू, और यू के साथ भी हैड ही लगाना है, यू हैड बीन बीन, और काम करना का होता है वर्क, तो यहाँ पे हमको वर्किंग लिखना होगा, वर्किंग, यू हैड बीन वर्किंग, और सोमवार से निश्चित टाइम है सिंस सिंस सिंस, और सोमवार का होता है मंडे मंडे, सिंस मंडे। हम लोग 10 बजे से तैर रहे थे, लिखिए वी वी हैड बीन, और तैरना का होता है स्विम, तो यहां पे हमको लिखना होगा स्विमिंग स्विमिंग, वी हैड बीन स्विमिंग। अब देखिए क्या है, 10 बजे से निश्चित टाइम है तो यहां पे लिखना होगा आपको सिंस 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 10 o'clock, सिंस 10 o'clock इस तरह से। मैं जनवरी से पढ़ रहा था, लिखिए आई आई, और यहां पे हैड लिखिए, आई हैड बीन बीन रीडिंग रीडिंग, और देखिए जनवरी से निश्चित टाइम है तो सिंस लिखिए, सिंस सिंस जनवरी सिंस जनवरी। वह 2015 ईस्वी से वहां रह रही थी, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे पहले जो है हमको लिखना होगा ये यहाँ पे सी लिखना होगा, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और स्त्रीलिंग है, तो लिखिए यहाँ पे सी सी, और सी के साथ हैड लगाना है, सी हैड बीन बीन। अब रहना का क्या होता है, लिव, तो हमको लिविंग लिखना होगा, लिविंग लिविंग। अब देखिए यहाँ पे जो है वहाँ, तो यहाँ जो है वहाँ का जो है वर्ड यहीं पे लिखना होगा, सी हैड बीन लिविंग देयर देयर। अब देखिए क्या है, 2015 ईस्वी से फिक्स टाइम है यानी कि निश्चित है, तो सिंस 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 2015 एडी लिखना होगा, ईस्वी का एडी एडी। राम मार्च से इंतजार कर रहा था, लिखिए राम राम हैड बीन राम हैड बीन, और इंतजार करना का होता है वेट, तो वेटिंग लिखना है, वेटिंग, और यहाँ पे सिंस लिखिए क्योंकि मार्च एक निश्चित टाइम है, सिंस सिंस मार्च मार्च। वे लोग एक सप्ताह से वहाँ खेल रहे थे, वे लोग यानी दे, लिखिए दे दे हैड बीन
दे हैड बीन, और यहाँ पे खेलना का होगा प्लेइंग, PLAY, चूंकि प्ले होता है खेलना और इसमें ING लगाना है, बिफोर का प्रयोग करना है, प्लेइंग। अब देखिए क्या है, वे लोग एक सप्ताह से वहाँ खेल रहे थे, वहाँ भी है तो यहीं पे वहाँ का लिखना होगा देयर, देयर, देयर। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए लोग एक सप्ताह से, एक सप्ताह से कोई निश्चित टाइम नहीं है, एक सप्ताह है ना, एक सप्ताह दो सप्ताह ये सब निश्चित टाइम नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए दे हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर वन वीक, फॉर वन वीक। मैं 2018 से स्कूल नहीं जा रहा था, देखिए निगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो मैं का पहले लिखिए आई, आई, और यहाँ पे हैड लिखिए, और हैड के बाद आपको नॉट लगाना है, आई हैड नॉट बीन, बीन, और जाना का होता है गो, और इसमें आईएनजी लगाना है, गोइंग, और क्या है स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यहीं पे लिखना होगा, गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब क्या है देखिए 2018 यानी कि निश्चित टाइम है, सिंस, सिंस 2018 AD, AD, सॉरी पहले ए लिखे, AD, ये ईस्वी हो गया, कुछ और है, तुम बरसों से काम नहीं कर रहे थे, तुम बरसों से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि तुम का यहाँ पे लिखे यू, यू, और इसके बाद हैड लिखिए, यू हैड, और इसके बाद नॉट भी लिखिए, नॉट, यू हैड नॉट, और इसके बाद बिन लिखिए, बिन, और काम करना यानी वर्क, इसमें आईज लगाना है, वर्क, यानी कि वर्किंग हो गया, यू हैड नॉट बीन वर्किंग। अब देखिए वर्षों से कोई निश्चित टाइम नहीं है तो यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर योर्स, योर्स, एस लगा दीजिए, योर्स। हम लोग गत सोमवार से कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे लिखिए वी, हम लोग का वी, वी, और वी के साथ हैड लगाना है, वी हैड नॉट, वी हैड नॉट, और इसके बाद बीन लिखिए, बीन, बीन, और इसके बाद डूइंग लिखिए, डूइंग, doing anything, कुछ का anything, anything, thing। अब देखिए गत सोमवार यानी पिछला सोमवार फिक्स टाइम है तो यहाँ पे since आएगा, since, since, और last Monday लिखना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं last, sorry L, sorry T लिखा रहा था, L-A-S-T, last, और Monday लिखिए, M-O-N-D-A-Y, Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday, और फुल स्टॉप डाल दीजिए यहाँ पे। नीता 2 माह से गाना नहीं गा रही थी, तो यहाँ पे लिखे नीता, पहले लिखे नीता, नीता, और यहाँ पे हैड लिखे, हैड नॉट, और बिन लिखे, बिन, और गाना गाना यानी सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब देखिए क्या है, 2 माह कोई निश्चित टाइम नहीं है तो फॉर लिखे, फॉर टू, टू मंथ्स, 2 माह।